चलो यार, ये अच्छा हुआ, लेकिन काफी 2-3 मिनट हमारे मिस हो गए रिकॉर्डिंग से। सो वी गॉट ऑलमोस्ट 10 मीटर डिस्टेंस ओके फॉर द पर्टिकुलर लोकेशंस। थैंक यू। वी काउंटेड द डिस्टेंस वाज 10 मीटर। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑन द पर्टिकुलर प्लेन, बट वी आर जस्ट गोइंग टू राइट स्टेशन ए ओके एज 10 मीटर। एग्जाम्पल, स्टेशन ए इज इक्वल टू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन हमारा 1-2 मिनट का रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आई थिंक हमें रिपीट कर देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग में सारी बात आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग वो रिकॉर्डिंग चेक करें तो आपको मतलब मसला ना हो, दरमियान में कोई चीज मिस ना हो। दिस एलिडेड एंड द स्ट्रीम व्हिच इज फाउंड इन दिस एलिडेड ओके शुड बी एग्जैक्टली मैच्ड। दिस थ्री थिंग्स शुड बी देयर। प्लीज कम दिस साइड। You have to see the middle position, one, second position, this black string, and third position of the particular rod. Okay, they should be in one line. Once they will be in one line, then only it can be possible that they are in the particular positions. Right? Okay, thank you. As we found that these three positions are in one line, same way it should be done for the other post also. And we are going to find out the distance now from this particular area. Okay, thank you. After getting the position of the particular first rod, we have to decide the scale also on this one. Suppose it is 10 meter distance. So for 1 centimeter on the particular map, how many meters will be taken? That should be considered. Suppose we have taken the scale, 1 centimeter is equal to 5 meter. Then this scale will be used. Or simply it is known as 1 centimeter on the chart means 5 meter on the ground. Thank you. Now friends, as with the help of this tape, ranging tape, we are going to find out the exact distance of the particular okay ranging pole, and this can be possible to be found okay with the help of the tape only. Now where the centering point is there, I am going to measure the particular pole from the center. So yahan se aapne dekh liya tha. तो फिर 10 सेंटीमीटर की लाइन ये सेंटर से ऑनवर्ड इस डायरेक्शन में, इस ऑब्जेक्ट जो हमारा वन है इसकी डायरेक्शन में ये 10 सेंटीमीटर की लाइन सेंटर से ऑनवर्ड लगाएगा। फाइंड आउट थ्री मोर स्टेशंस एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पर्टिकुलर पोजीशन करके उनका डिस्टेंस मेजर करके, तो उस उन्हीं डायरेक्शन सेंटर से ऑनवर्ड उन्हीं डायरेक्शंस में ये लाइनें लगा लेगा। ठीक है, और फिर सर्वेइंग में मैंने आपको बुक से भी दिखाया था और एक अपनी स्लाइड में भी दिखाया था मिड से पहले वाले अपने लेक्चर्स में, उसमें ये था कि आपने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जब अपने शीट ड्राइंग शीट पे शो करना हो तो सर्वेइंग में उसके लिए जो जो सिंबल्स यूज होते हैं तो फिर आप नॉर्मली वो वाले सिंबल्स ड्रॉ करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ दो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट रेंजिंग रॉड्स। थैंक यू। तो अब ये वही काम रिपीट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो प्लांट है ये चूंकि एक बहुत बड़ा वाइडर एरिया को ये कवर कर रहा है, तो इसके अंदर एक छोटा सा जो उसका तना आप कह लें या वो, अब उस पर्टिकुलर तने को ये साइट कर रहा है, उसके सेंटर को साइट करेगा, इट मींस इस सब को उसने साइट कर दिया। क्योंकि रनिंग रॉड, तो हमने रनिंग रॉड को इसके साथ मैच करवाना है ना, तो ये उसके उस अंदर छोटे से तने को वो साइट कर रहा है। मैक्सिमम एरिया विल बी टेकन फॉर द डिस्टेंस टू बी मेजर्ड हियर। दिस रॉड हैज गॉट ग्रिट वेरी लेस, सो दैट कैन बी टेकन एज अ रॉड फॉर द पोजीशंस। देन यू हैव टू उट करना है। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जो प्लांट है, अब होगा क्या
ये देख लेगा कि अच्छा ठीक है इसमें डिस्टेंस कितना है, तो जितना लेट्स से डिस्टेंस आता है 5 सेंटीमीटर का लेट्स से, ठीक है, तो और 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ तक बनता है तो यहाँ तक की लाइन लाइन ये कंसिडर कर देगा, आगे वाली को इसके रेज कर देगा, ठीक है। Get this one. Here, इधर उधर nine ना, nine उधर ना। Okay, ये दूसरे को draw. तो similarly, ये सारे का सारा सर्वे ऐसे ही होता है। Let's see वीडियो का एंड पे क्या है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम वो देख लेते हैं, नहीं तो अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। 7 meter area. So this 7 meter area will be now measured from this. Taken here scale, little bit scale change. 1 centimeter, 2 meter we have taken. Now second is there 7 centimeters. It means okay becomes 3.5 centimeter on the map. This is your 3 point. Okay, this is your meter. It means this position point stations you as goal table. I taken here. Area which is located like this. हाँ ये अब ये देखें हमारा जो final result हमें मिला है ये चीज। Can you see this one? This come very close to this one. This area. ये अब यहाँ पे हम खड़े हैं, ये centered है, यहाँ पे एक object है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा, तो इस तरह से survey होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सर्कल्स उसने बनाए हैं तो ये इस सर्कल को वो नोट कर देगा कि ये इस पे बता देगा कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कौन सा और यहाँ पे कौन सा, तो इस तरह से प्लेन टेबल सर्वे फाइनल्स आपके पास शीट इस तरह की बनती है। लोकेटेड लाइक दिस दिस एरिया व्हिच इज सर्वेड, दिस एरिया इज हैविंग द पोजीशन ऑन द मैप लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड द प्लेन टेबल सर्वे। दिस इज तुषार अवसरे फॉर विजडम इंटरनेशनल स्कूल नासिक। So, अब बताएं जी किस किस को आ गई है समझ और किस किस की चली गई है। किसी को नहीं आई इसका मतलब है मलक जी, मैं तो अभी उठा सर जी, मैं तो अभी उठा हुआ, अभी मेरा 10 मिनट हो गई, पहले क्लास में मैं नहीं था सर जी। यार आप तो शहजादे हो ना। उस्मान आप बताओ। जी 9 बजे क्लास ठीक नहीं है सर जी, क्योंकि सारे लोग सोए हुए थे इस टाइम, मुझे तो उस्मान ने उठा दिया सर जी। उस्मान इस टाइम क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये बातें हम बाद में करते हैं, क्लास के एंड पे करते हैं। उस्मान कैन यू हेयर मी? और भी आप में से कोई सुन रहा है क्या? नहीं, फहद मेहदी मोहसिन इकबाल। यस सर। मोहसिन आप चलें जी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे दे रहे मुझे। तो अब जाते हैं एरर्स की तरफ, यानी कि इसके अंदर एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एरर्स में वो कह रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टल या लेवल नहीं हो सकता, मतलब ये भी एरर है ना कि आपका जो प्लेन टेबल है वो प्लेन ना हो, यानी कि सरफेस स्मूथ उसकी ना हो। फिर दूसरा सेंटरिंग प्रॉपर ना हुई हो। फिर तीसरा वो उसकी ओरिएंटेशन, यानी कि जो आपने नॉर्थ नॉर्थ को इंडिकेट किया था वो में भी प्रॉपर ना हुई हो। फिर इसी तरह मूवमेंट इन द टेबल ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लैंपिंग, यानी कि वो जो क्लैंपिंग आप करते हैं जब सेंटरिंग करते हैं तो उसके साथ वो प्लम्बिंग फॉर्क जो है उस वजह से आप थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा दें तो वो जो आपका आपके लें जो टेबल है वो मूव कर जाए, यानी कि वो टिल्ट हो जाए, ठीक है। फिर देखने में कोई मसला हो, मतलब इनएक्यूरेट साइटिंग, मतलब आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली आप गलत कर रहे हो। फिर एलईडी जो है वो उसमें कोई मसला हो। फिर रेज जो आप लाइन लगाते हैं वो आपने शायद प्रॉपर ना लगाई हो, तो इनएक्यूरेट प्लॉटिंग भी हो सकती है। फिर इसी तरह इन एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेपर, तो अगर पेपर को आप एक्सपेंड करेंगे तो ज्यादा लंबी लाइन लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटी लाइन जो है वो बड़े एरिया पे को कवर करेगी, तो वो भी, तो आपके प्लेन पे जो आपका पेपर है या पेज है उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है।
इसी तरह ये इसके एडवांटेजेस हैं, वो एरर्स थे, पॉसिबल एरर्स थे, ये एडवांटेजेस हैं कि ये सूटेबल है फॉर स्मॉल स्केल मैपिंग, जिस तरह के आपने अभी वीडियो में भी देखा, रैपिड है, बहुत जल्दी कर लेता है काम। इसी तरह एक्यूरेसी जो है कंपैरिजन विद ग्राउंड ऑल टाइम फॉर एक्यूरेसी, ठीक है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड, बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये ग्राउंड को। इसी तरह ओमिटिंग ऑफ डिटेल्स इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आप डिटेल्स को मिस करने की कोई तुक ही नहीं बनती। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय चेक लाइंस इजीली, काउंटर्स विल रिप्रेजेंट प्रोफाइल। अच्छा, एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय चेक लाइंस इजीली, अब चेक लाइंस लगा दें और एरर्स वहां से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंटूर्स विल रिप्रेजेंट प्रोफाइल ऑफ ग्राउंड करेक्टली, तो एक कंटूरिंग होता है, कंटूरिंग पे ही हमारा एक लेक्चर है अभी, तो मैं आपको बताऊंगा कंटूरिंग क्या है। तो कंटूरिंग के साथ वो जो है ना वो रिप्रेजेंट वो भी इस पे अप्लाई होता है, ठीक है, या उसके थ्रू आप इसकी करेक्शन या वो दिखा सकते हैं कि यानी कि इस चीज को आप कंटूरिंग के ऊपर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा सीखने के बाद कोई भी बंदा इसको कर सकता है। और डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं कि ये फेयर वेदर में पॉसिबल है, बाकी हार्श वेदर में ये पॉसिबल नहीं है, ज्यादा गर्मी हो या बारिश हो। इसी तरह इक्विपमेंट इज हैवी, हैवी इस वजह से कि वो जो लकड़ी का ट्राइपॉड स्टैंड है, जो टेबल है, वो हैवी है। तो उसके बाद एक्सेसरीज छोटी हैं, जो छोटी एक्सेसरीज हैं उनके गुम होने के चांसेस भी हैं, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट ये नहीं, एक्यूरेट है पर स्मॉल स्केल के लिए, लार्ज स्केल के लिए ये एक्यूरेट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर प्लेन टेबल सर्वे। अब बताएं जी, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम क्वेश्चन आंसर करके फिर देन नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है? नो सर। नो सर। चलें जी, ठीक है, फिर हम अभी मैं दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ, तो नेक्स्ट मीटिंग